subscribe now for all the latest and trending updates. बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने शनिवार को एक इंटरव्यू में बातचीत की। इस इंटरव्यू के दौरान सोनू ने बेहिसाब किस्से शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन साथ ही उन्होंने तमाम पुराने किस्से भी इस सेशन में शेयर किए। बता दें कि सोनू सूद ने वो किस्सा भी बताया जब सलमान खान ने उनके साथ पंजा लड़ाने से इनकार कर दिया था। एक्टर ने बताया, बात तब की है जब हम दबंग के लिए शूटिंग कर रहे थे। विशाखापट्टनम में CCL का मैच चल रहा था और सलमान खान ने एक साउथ इंडियन एक्टर के ट्रेलर को बुलवाया था और उसे चैलेंज किया कि क्या वो मुझसे पंजा जीत सकता है। सोनू ने बताया, वो बहुत ताकतवर आदमी था, 7 फुट लंबा था। वहाँ पर इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थे। जैसे ही सलमान ने पंजे की बात कही, वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। इसके आगे सोनू ने बताया, मैंने कहा, सलमान तुम खुद क्यों नहीं लड़ रहे, तुम मुझे इस सिचुएशन में क्यों डाल रहे हो। सोनू ने कहा, खैर मैंने किसी तरह से उसे हरा दिया और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उस ऐसे तालियां बजाई जैसे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। इसमें बाद में सबने कहा कि अब सलमान खान की बारी है पंजा लड़ाने की। इस सवाल पर वो पहले तो सोच में पड़ गए और फिर ये कहकर इनकार कर दिया कि वो फिर कभी ये करेंगे। इस इंटरव्यू में सोनू सूद ने अपनी किताब के बारे में भी बताया है और ये भी बताया कि उन्हें ये किताब लिखने का आइडिया कहाँ से आया। सोनू सूद ने कहा कि उनकी माँ को लिखने का बहुत शौक था और वो कहा करती थी कि हर अच्छे लम्हे को लिखा जाना चाहिए। लॉकडाउन के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे पास इतनी कहानियाँ हैं कि मैं उन्हें लिख सकता हूँ और आने वाले सालों में शायद लोग उसे पढ़ना चाहेंगे। यार दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही इसी तरह की तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल इंट्रेन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।